हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करेले को पहले धो दिया है और उसके बाद इसको छील दिया है। इसे ज़्यादा नहीं छीलना है, सिर्फ इसकी जो कड़क कड़क स्किन रहती है उसे ही हमें थोड़ा थोड़ा सा छीलना है, ताकि करेला हमें ज़्यादा कड़वा ना लगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए है 2 प्याज और 2 टमाटर। प्याज को हमें लंबा लंबा सा कट करना है, टमाटर को भी उसी तरह से हमें कट कर लेना है, लंबा लंबा सा, गोल गोल चिप्स की तरह कट कर दिया है। देखिए, आप इसे लंबा भी कट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए वैसे कट कर दीजिए। अभी करेले में हमें थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आपको कड़वा पसंद है तो आप इसमें नमक न डालिए और ऐसे ही इसकी सब्जी बना लीजिए। और अगर आपको कड़वा नहीं पसंद है तो आप इसमें इस तरह से नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि करेले का पानी छूट जाए और कड़वापन निकल जाए सारा। फिर इसे मैं अच्छे से मसल देती हूँ ताकि इसका कड़वा पानी सारा निकल जाए। और यहाँ साथ ही साथ मैंने प्याज और टमाटर को लंबा लंबा सा कट कर दिया है, देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप इसको इसे नहीं कट करना चाहते हो तो आप अपनी पसंद से प्याज टमाटर को कट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। पर कढ़ाई गरम करने के लिए रख ली है, उसमें सिंगदाने डाले हैं, तो हमें सिंगदाने को भून लेना है अच्छे से। इसका हमें एक मसाला रेडी करना है। तो सिंग हमारी भून जाएगी, उसके बाद इसके छिलके अगर आप निकालना चाहो तो निकाल के इसको हमें दर दरा से कूट लें। सिंगदाने को मैंने भून लिया है और उसे अलग प्लेट में निकाल। कढ़ाई में अभी सब्जी बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है। अभी तेल में हमें राई और जीरा डालना है। राई जीरा हमारा फूटने लगा है, तो अभी इसमें हमें हींग पाउडर डालना है। हींग पाउडर मैंने अभी डाल दिया है, तो अभी इसमें हमें प्याज और टमाटर जो हमने कट किए थे उसे डाल देना है। और अभी इसे अच्छे से हमें भून लेना है थोड़ी देर के लिए। अभी प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और तो अभी इसमें हमें करेला डालना है। मैंने करेले का पानी पूरा निकाल दिया है और इस तरह से कड़क कर दिया है। और करेले को अभी इसमें डाल के इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए पकने देना है। करेला बहुत ही जल्दी पक जाएगा, और जब भी करेला पक जाए उसके बाद ही इसमें हमें मसाले करने हैं। करेला हमारा 90% कुक हो चुका है, तो अभी इसमें हमें मसाले करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। हमें सारे रूटीन के ही मसाले करने हैं इसमें। फिर लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए। फिर अभी मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है, और अभी मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसका कड़वापन पसंद है तो आप इसमें चीनी ना डालिए, और अगर आपको कड़वापन नहीं पसंद है तो आप इसमें चीनी डालिए। चीनी से क्या है, कड़वापन थोड़ा बैलेंस होता है, और बच्चे लोग ये सब्जी आसानी से खा लेंगे। और इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाओगे तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अभी मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, और जो सिंग दाने भुने थे उसे दर दरा सा कूट लिया है, और अभी इसे भी हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिला देना है। अभी सब्जी में सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, सिर्फ मसाले हमें पकाने हैं। मसाले अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हमारी अभी देखिए सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। और इस तरीके से एक बार सब्जी ज़रूर से बनाइएगा। सब्जी को मैंने एक अलग बाउल में निकाल दिया है, और सब्जी इतनी टेस्टी है कि आपके बच्चे सब्जी करेले की नहीं खाते हैं तो ये सब्जी इस तरीके से बनाइए, आपके बच्चे उंगलियाँ चाट चाट के सब्जी खा लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।